आप सभी का स्वागत है ईआईएस पुस्केशन में। यूपी स्कॉलरशिप का लास्ट डेट क्या है इसको लेके काफी ज्यादा छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक कई सारे छात्र छात्राओं के जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं हुए। इसके साथ ही कई सारे छात्र छात्राओं ने अभी तक अपने फाइनल प्रिंट आउट सबमिट पेज को अपने कॉलेज में जमा नहीं किया गया। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो लास्ट डेट है वो केवल आज तक है, यानी कि 31 दिसंबर तक ही लास्ट डेट आप लोगों के पास है। तो क्या सच में आपके स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट केवल आज तक दिया गया? इसके साथ ही जो फाइनल सबमिट पेज है वो भी आपको आज की आज ही करना होगा, वरना फिर आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी को लेकर सारी बातें बिल्कुल आप विस्तार से बताने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये वाला पीडीएफ फाइल देखिए, जिसमें कि हमने भी आपको बताया था जब भी ये पीडीएफ फाइल जारी किया गया था कि जो लास्ट डेट है वो आप लोगों के लिए 10 जनवरी तक दिया गया है, लेकिन कई सारी कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तरफ से इस नोटिस को नहीं माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे इस नोटिस को अपलोड नहीं किया गया, यानी कि जब ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस नहीं जारी किया गया इसका मतलब ये है कि ये नोटिस आप लोगों के लिए सही नहीं है और इसमें जो डेट कहा जा रहा है उसके अनुसार हम नहीं मानेंगे। जो पहले जो नोटिस जारी किया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे काम करने होंगे, यानी कि स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट आप लोगों के लिए केवल 31 दिसंबर यानी कि केवल आज तक है। इसके अलावा जो इस नोटिस में 10 जनवरी तक फॉर्म भरने को लेकर जो बातें कहा गया है वो गलत है। तो यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दें कि ये नोटिस अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे इसलिए नहीं अपलोड किया गया है क्योंकि ये छात्रवृत्ति मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पे आपको जो स्टैंप है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि अभी तक इस नोटिस को ऑफिशियल वेबसाइट पे इसलिए नहीं अपलोड किया गया है क्योंकि पहले जो नोटिस जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग लास्ट डेट 31 दिसंबर तक दिया गया, यानी कि आज तक आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी वजह से अभी तक इस नोटिस को ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया। हमने खुद इसके बारे में सारी जानकारी ली है कि जो नोटिस है किसकी तरफ से जारी किया गया, क्यों जारी किया गया, अगर जारी किया गया तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं जारी किया गया। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो नोटिस जारी किया गया पूरी तरीके से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा कि ये जो नोटिस जारी किया गया वो आपके छात्रवृत्ति मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है। इसी वजह से अभी तक आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो नोटिस है वो अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन आज के बाद यानी कि अगले 1-2 दिनों में ये जो नोटिस है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। जो लास्ट डेट है वो आप लोगों के लिए अभी फिलहाल 10 जनवरी तक किया गया। इसके साथ ही अपने कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करने की जो लास्ट डेट है वो भी आप लोगों के लिए 16 जनवरी तक किया गया है कि 16 जनवरी तक आप अपने हार्ड कॉपी को अपने कॉलेज में ले जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट को एक्सटेंड किया गया है। ये नोटिस पूरे तरीके से सही है, इसको लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्कॉलरशिप डेट को बढ़ाया गया है। ये जो नोटिस है अगले 2-3 दिनों में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। बाकी जो भी अपडेट होगा हमेशा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। स्कॉलरशिप की लास्ट डेट आप लोगों के लिए 10 जनवरी तक फिलहाल तय किया गया है, तो आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी सारे जो स्टेप्स हैं उसको कंप्लीट करते हुए अपने फॉर्म को अब अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए। बाकी की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। कोई सवाल रह जाता तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दो। टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें।